शख्स आया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, ये सही हदीस है मुस्नद अहमद की। उस शख्स ने कहा, या रसूलल्लाह ईमान क्या है, कैसे पता लगेगा मैं ईमान वाला हूँ? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तू नेक अमाल से खुश है और बुरे अमाल से गमजदा है तो तू ईमान वाला है। सुभान अल्लाह। यानी हम ये समझते हैं कि मोमिन वो है जो बुरे अमाल करे ही ना। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मोमिन वो है जो नेक अमाल से खुश हो और बुरे अमाल उसे गमजदा करें। इसका मतलब है कि मोमिन भी गुनाह करता है, ठीक है। जैसे सूरह आले इमरान में आयत है, अल्लाह जन्नतियों की क्वालिटीज़ बता रहा है। वो क्वालिटी शुरू यहाँ से होती है कि जन्नती वो है, सूरह आले इमरान की आयत नंबर 133 से 135 है, वो लोग ही वो हैं जिनसे जब कोई गुनाह सरजर्द हो जाए तो वो अल्लाह का जिक्र करते हैं और अल्लाह से इस्तगफार करते हैं और इरादा करते हैं कि वापस उसकी तरफ नहीं जाएंगे। वो शुरू ही यहाँ से हो रही बात। देखिए, जन्नत में जाना ही गुनाहगारों ने, हम जैसे गुनाहगारों ने, ठीक है ना। तो इसलिए इस बात पे खुश हों, मोटिवेटेड रहें कि अगर आप किसी गुनाह में अल्लाह न करे मुब्तला हैं लेकिन आपको तकलीफ़ होती है वो गुनाह करके और आपको दुख होता है तो आपका दिल जिंदा है, ये खुशी की बात है, ठीक है। हाँ, अगर वो रूटीन बन गई है और फील ही कुछ नहीं हो रहा तो फिर ये एक बहुत ही फिक्र करने की बात है। इब्ने कय्यिम ने ऐसे कहा था, जब गुनाह तेरे लिए एक रूटीन बन जाए और तुझे फ़र्क ही कोई ना पड़े तो फिर ये बहुत काबिले फिक्र बात है। लेकिन इंशाल्लाह, मुझे होप है कि अभी हम उस स्टेज पे नहीं पहुँचे। हर बंदे को इतना ईमान उसमें ज़रूर है कि ज़रूर दुख भी होता होगा, फील भी होता होगा कि यार मैं गलत कर रहा हूँ। फिर फरमाया, उस शख्स ने पूछा, या रसूलल्लाह गुनाह क्या है? देखें, पहले पूछा ईमान क्या है, फिर पूछा गुनाह क्या है। बहुत ही खूबसूरत डेफिनेशन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई चीज़ तेरे दिल में खटके, तेरी रूह में खटके, तो ये गुनाह है। सुभान अल्लाह, अल्लाह के नबी ने बता दिया ये सॉफ्टवेयर तेरे अंदर है, अपने दिल से फतवा ले, ठीक है। अल्लाह ने फअल हमहा फजूरहा व तकवा, बुराई और नेकी की पहचान अल्लाह कहते हैं मैंने तुम्हें दे दी, और नफ्से लवामा भी दे दिया ज़मीर, ठीक है। अब खुद तुम्हें पता लग जाएगा, तुम्हारा सॉफ्टवेयर अंदर से बोलेगा यार ये गलत काम है, थोड़ा सा शक पैदा हो जाएगा, ठीक है। कुछ गुनाह बहुत क्लियर होते हैं, कुछ ग्रे एरियाज होते हैं, और वो आपका दिल बता देगा कि नहीं ये भी चीज़ गलत है, ये खटक रही है, तो वो गुनाह है। तो उसको अवॉइड करना, ये है असल में टेस्ट, ठीक है, और इसी का रिवॉर्ड है। और याद रखें, जो जिस टेस्ट से गुजर रहा है उतना उससे सवाब होगा। मैं आपको मिसाल देता हूँ, जो औरत जिसने प्रोस्टिट्यूट थी, कुत्ते को पानी पिलाया, पढ़ा ना आपने वाकया, अपने जूते में मुख्तलिफ रवायात हैं, किसी में मर्द का जिक्र आता है, एक में औरत का, बहरहाल ये औरत वाली रवायत हम लेते हैं। अल्लाह ने उसकी उसके इतने से अमल, ये देखने में छोटा अमल है, उसके इतने से अमल पे उसको माफ़ कर दिया। वजह क्या है? देखें, जिस फील्ड से वो थी, ठीक है, गुनाहों में डूबी हुई थी, ऑब्वियसली प्रोस्टिट्यूशन की तरफ ऐसे तो नहीं जाता बंदा, जितना ही वो बुरी फील्ड में थी उतना ही उसको छोटी सी नेकी का सवाब ज्यादा हो गया, पहाड़ बन गई वो नेकी, ठीक है, अल्लाह के हाँ उसकी कदर बहुत थी। इसी तरह जो जितने अल्लाह ना करे गुनाह में मुब्तला है, वो जब उस गुनाह को रिजिस्ट करता है या उस गुनाह को छोड़ता है, तो यकीन करें हो सकता है कि सिर्फ उसका ये छोड़ना उसकी बख्शिश का जरिया बन जाए, चाहे कोई और अमल उसके पास हो ना हो। क्यों? क्योंकि अल्लाह अंडरस्टैंड करते हैं, अल्लाह के यहाँ रिलेटिव मार्किंग है, एब्सोल्यूट मार्किंग नहीं है। रिलेटिव मार्किंग क्या होती है? अल्लाह सबको देखेगा कि ये किन हालात में था, ठीक है, इसका नफ्स कितना स्ट्रांग था, जाहिर है इसने कितनी ट्राई की एवरीथिंग, फिर देख के अल्लाह मार्किंग करेगा ना, फिर मार्क्स देगा। तो ये बात भी, मोटिवेटेड रहे इस बात में कि जितने बुरी आदत से आप गुजर रहे हैं उसको छोड़ने का रिवॉर्ड भी उतना है, और हो सकता है हमारी बख्शिश का भी इंशाल्लाह जरिया बन जाए। तो अब हम देखते हैं कि गुनाहों से बचना कैसे है। देखें, कुछ आप तहिए करके उठें, आप कुछ आज फैसला करेंगे तो इंशाल्लाह उन पे आप चलेंगे। मिसाल के तौर पे नज़रों की हिफाजत, ये सबसे ज़रूरी है, इसका तहिया करना कि मैं आज से नज़रों की हिफाजत करूँगा, ट्राई, आई विल ट्राई माई बेस्ट, स्लिप होऊंगा वो चलो अल्लाह मालिक है, लेकिन ये कि जितना मैं कर सकता हूँ, सड़क पे चलती औरत उसकी तरफ नहीं देखना, ठीक है, कोई गाड़ी चलाते बाइक चलाते कोई बदनज़री नहीं करनी, बाज़ारों में जाके बदनज़री नहीं करनी, इंटरनेट पे अकेले जब बैठे हुए बदनज़री पूरी ट्राई करनी है कि मैंने बदनज़री नहीं करनी है, ठीक है, एक तो ये इरादा। दूसरा ये कि अगर कोई बुरा थॉट आ भी जाता है तो जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी ना कि जब नौकरी की बारी आती है तो हम वो काम कर लेते हैं,
आज आपको यूनिलीवर, प्रॉक्टर एंड गैंबल या नेस्ले कहे कि गुनाह छोड़ दो, हम छोड़ देंगे, क्योंकि मोटिवेशन इतनी बड़ी है। ठीक है, वो हमें कहे जी कि आपने ये वाली चीज आइंदा नहीं करनी, हम कहेंगे बिस्मिल्ला, ये तो कैरियर ही इतना है, कैरियर ग्रोथ है, बिल्कुल करें। इसका मतलब छोड़ आप सकते थे लेकिन छोड़ा नहीं। ठीक है, क्यों नहीं छोड़ा? ईमान ही नहीं है, अल्लाह के वादों पे यकीन ही नहीं है। लेकिन एनीवे, गुनाह हो जाता है, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। तो कुछ इरादे करके आज उठें, वो मुझे नहीं पता, आपने खुद लिस्ट बनानी है। हर बंदा अपने आप को खुद जानता है। मैंने एक मिसाल दे दी नजरों की हिफाजत, बाकी आपने खुद नोट आज जाके करना है कि ये चीजें हाँ मुझे छोड़नी चाहिए। हो सकता है झूठ गुनाहों की जड़, जो बंदा बहुत झूठ बोलने का आदी हो जाए वो फिर काफी आउट हो जाता है, गुनाहों की तरफ चला जाता है, डोमिनो इफेक्ट, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, उसको आप नोट कर लें। फिर कुछ फैसले करें नीचे ये चीजें लिख के कि आज से मैंने नहीं ये चीजें करनी, और इसके काउंटर में मैंने ये प्रोडक्टिव चीजें करनी, जैसे एक्सरसाइज हो गया, गुड डाइट हो गई, मैंने अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, मैंने वसवसों को कंट्रोल करना है, वगैरह वगैरह। और लास्टली अल्लाह से दुआ करनी कि अल्लाह ये मेरा प्लान है, और बेशक जो विर्द है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह के, देयर इज नो स्ट्रेंथ नो पावर एक्सेप्ट फ्रॉम अल्लाह, वो नीचे लिखें, उसको अपने पास महफूज रखें, नोटपैड पे या मोबाइल पे, जहां भी आप लिखते हैं उसे, ताकि वो आप देखें बार बार, अपने आप को मोटिवेटेड रखें कि मैंने पैक्ट आज किया था। और अल्लाह से दुआ भी की थी कि अल्लाह हर पावर और स्ट्रेंथ तेरी तरफ से, तो मुझे पावर दे दे, स्ट्रेंथ दे दे। तो क्यों नहीं अल्लाह की मदद आएगी? हो ही नहीं सकता अल्लाह की मदद ना आए। कुरान की तिलावत सुने, बहुत खूबसूरत कुरान की तिलावत यूट्यूब पर मौजूद है, मुख्तलिफ कुर्रा हजरात है। मैं सुबह ही मेरे सबसे फेवरेट कारी आजकल शेख बंदर बलीला, शायद आप जानते हो, ये उनकी एक ज़ात है अरबियों की, बहुत ज़बरदस्त कारी है, आयात बहुत अच्छी चूज करते हैं। उनकी फजर की नमाज की मैं रेसिटेशन सुन रहा था, इमाम काबा है, सुभान अल्लाह, उन्होंने पहली रकत में सूरह यूनस आयत नंबर 12 से 16 पढ़ी, और वो इतनी खूबसूरत आयात है, वो शुरू ही यहाँ से होती हैं कि जब इंसान को कोई तकलीफ पहुँचती है तो इंसान अल्लाह की तरफ भागा जाता है, लेकिन जैसे ही अल्लाह तकलीफ से निकाल लेता है तो अल्लाह को भूल जाता है, और उसके बाद उन्होंने कुछ आगे अल्लाह ताला कुछ नसीहतें करते। दूसरी रकत में सूरह जुमर आयत नंबर 10 से 16 उन्होंने पढ़ी, वो भी शुरू इसी आयत से हो रही है कि जब इंसान पे कोई तकलीफ आती है, दोनों की थीम सेम है। तो इस तरह की तिलावत सुना करें जिसका मीनिंग भी आपको समझ आ रहा हो, नीचे ट्रांसलेशन हो, बहुत फर्क पड़ता है। कुरान जो है वो शिफा है, कुरान आपके जो जहर, गुनाहों का जो जहर है, जहर पॉइजन, उसको धोता है, उस दिल को जो जंग पड़ा हुआ है कुरान और जिगर उसको साफ करता है। ठीक है, तो आप बहुत अपने अंदर फर्क फील करेंगे। तो कुछ प्रैक्टिकल एक्शन लें इंशाल्लाह। जज़ाकअल्लाह।